हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। सेलिना कंसाइज मैथ्स क्लास 9th ICSE बोर्ड की बात हो रही है। देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस में 4y क्यूब प्लस में 9z क्यूब इज इक्वल टू 18xyz इवेलुएट दिस। ठीक है, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में xy प्लस में 2y प्लस में 3z का होल स्क्वायर अपॉन में yz प्लस में 3z प्लस में x का होल स्क्वायर अपॉन में zx। देखो देखने में बहुत टफ लग रहा है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी करूँगा तो 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, x प्लस में 2y ना, तो इस इक्वेशन की मदद से x प्लस में 2y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो x प्लस में 2y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x प्लस में 2y की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 3z। अब समझे, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो उसी तरीके से 2y प्लस में 3z की वैल्यू कैसे आएगी, 2y प्लस में 3z की वैल्यू कैसे आएगी, x को उठा के इधर भेज दोगे। ठीक है, तो 2y प्लस में 3z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस x आ जाएगी। उसी तरीके से 3z प्लस में x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो 3z प्लस में x की वैल्यू कैसे आएगी, प्लस 2y को उठा करके राइट हैंड साइड में भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, तो हो जाएगा 3z प्लस में x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस में 2y। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिखोगे कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दी। चलिए पुट करते हैं, x प्लस में 2y की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 3z, तो ये हो जाएगा माइनस 3z का होल स्क्वायर अपॉन में xy। ठीक है, प्लस में 2y प्लस 3z की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में yz। ठीक है, प्लस में 3z प्लस में x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2y, तो हो जाएगा माइनस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में zx। अब देखो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, साथ में z स्क्वायर अपॉन में xy। ओके, प्लस में माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में yz। प्लस में माइनस 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में zx। अब देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो एलसीएम आएगा बेटा एक्स वाई जेड, कितना आएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो एक्स वाई जेड को जब आप एक्स वाई से डिवाइड कराओगे तो सिर्फ जेड बचेगा, जेड को उठा करके आप 9z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 9z क्यूब आ जाएगा। प्लस में एक्स वाई जेड को डिवाइड कराओगे वाई जेड से तो yz से yz कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, x को उठा करके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा x की पावर 3। प्लस में xyz को डिवाइड कराओगे zx से तो यहाँ पर बचेगा y, y को उठा करके 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक है, इसके बाद समझना बेटा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में 4y क्यूब प्लस में 9z स्क्वायर। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, देखो दी हुई है, बस थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है। देखो एक्स क्यूब का भी टर्म है, 4y क्यूब का भी टर्म है और 9z स्क्वायर का भी टर्म है। ठीक है ना, बस वही आगे पीछे लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, 18xyz पुट कर सकते हो ना, तो ये हो जाएगा 18xyz अपॉन में xyz। xyz से xyz कैंसिल आउट हो गया, आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। देखो देखने में कितना ज़्यादा टफ लग रहा था लेकिन है ये कितना ज़्यादा आसान। ठीक है, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको देखेंगे। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमको m गिवन है, जहाँ पर कह रहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, अच्छी बात है। कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ m, m के टर्म्स में a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू और a स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो a प्लस में 1 अपॉन a की वैल्यू गिवन है m, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखोगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे देखो क्या मिलेगा, तो a प्लस वन अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में वन अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो प्लस में टू इंटू ए इंटू वन अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर, a से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। प्लस टू को आप इधर भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में ए स्क्वायर, कितना आ गया एम स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। अब देखो अब अगर आप फिर से माइनस टू को दोनों साइड प्लस कर दो, मैंने क्या कहा, अब अगर आप फिर से इसमें माइनस टू को दोनों साइड प्लस कर दो तो देखो मिलेगा क्या आपको, यहाँ पे कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन ए स्क्वायर, मैंने कहा माइनस टू आप दोनों साइड लिखो, माइनस टू इधर लिखा एम स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ पर ऑलरेडी था माइनस टू और लिख दिया, अच्छा माइनस टू लिखा है, इसको आप ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड भी करा सकते हो, करा दीजिए, क्योंकि भैया ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कराने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो ये लिखने का हमको फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी की, ए की जगह पर ए है बी की जगह पर वन अपॉन ए है, ठीक है। तो ये किसका एक्सपेंशन है, ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन नहीं है, ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर का ही एक्सपेंशन था। एम स्क्वायर माइनस टू मिलकर माइनस फोर हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस फोर हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस फोर, और जो ये वैल्यू आएगी ना ये प्लस माइनस दोनों में आएगी, ये तो आप जानते ही हो, तो कई बार बता चुका हूँ हर बार प्लस माइनस में आती है, क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद ये सेकेंड वाले की वैल्यू पूछ रहा है, सेकेंड वाले की वैल्यू तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके का आप इसको आइडेंटिटी मान सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी की जगह वन अपॉन ए होगा, फिर ए माइनस वन अपॉन ए होगा, ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है एम है इनटू में, ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, हो जाएगा प्लस माइनस एम अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस फोर, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है बेसिकली, कह रहा इन द एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एट, दूसरे ब्रैकेट में है x की x माइनस फोर का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म, आसान क्वेश्चन है बेटा इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अच्छा x माइनस फोर का जो होल स्क्वायर दिया है बेटा, इसकी आइडेंटिटी तो आप जानते ही होंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म की आइडेंटिटी है, उसी के जरिए आप इसको क्या करेंगे ओपन कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ठीक है। तो आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस में एट, इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा फोर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू इंटू में x इंटू में फोर, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। इसके बाद समझिएगा, ये हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस में एट, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्सटीन, ओके। एक मिनट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्सटीन, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक माइनस है और दो प्लस में है, तो जाहिर सी बात है माइनस में ही रहेगा आपका आंसर, टू फोर ज़ा एट हो जाएगा और साथ में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो टू एक्स को माफ़ करिएगा, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, टू एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा टू एक्स की पावर फोर, टू एक्स स्क्वायर को सिक्सटीन से करोगे तो हो जाएगा थर्टी टू एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा कि नहीं, ओके। पेन खत्म हो गई थी, जाहिर सी बात है जेल की जगह मैं डॉट पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिएगा इस वजह से। टू एक्स स्क्वायर को माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू को माइनस एट से करेंगे तो हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, एक्स की पावर टू है एक्स की पावर वन है तो मिलकर कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री, क्लियर है। इसके बाद समझिएगा, माइनस एट को एक्स स्क्वायर से किया तो हो जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर, माइनस एट को सिक्सटीन से करेंगे मल्टीप्लाई तो सिक्सटीन एट ज़ा कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया ये,
मेरे ख्याल से 128 आएगा, 8 प्लस में है 6, माफ़ करिएगा 8 माइनस में है 16 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 128, 8 माइनस में है ये वाला भी 8x माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 से 64 साथ में x, ठीक है, तो ये हो गया 2x की पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 24x स्क्वायर, ओके ये हो जाएगा माइनस 16x की पावर 3, ओके ये हो गया आपका माइनस 128 और ये हो जाएगा प्लस 64x। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है आप उसकी यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक्स क्यूब का कांस्टेंट, सॉरी माफ करिएगा एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या लिखा है, कहने का मतलब है कि एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर लिखा है, कोफिशियंट बेसिकली उसके साथ जो नंबर लिखा रहता है उसी को कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको वेरिएबल का कोफिशियंट कहेंगे, तो x की पावर 3 ये है, इसके साथ क्या लिखा है माइनस 16 लिखा है ना, तो इसका ये कोफिशियंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे माइनस 16। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है 24 लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बेटा कहते हैं जो आपका नंबर होता है, सिर्फ आपका नंबर, ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ नंबर कौन सा है, तो यही तो है ना, और सबके साथ तो x मौजूद है, कहीं पे x की पावर 4 है, कहीं पे x की पावर 3 है, कहीं पे x की पावर 2 है, कहीं पे x है, सिर्फ नंबर कौन है माइनस 128, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा, देखो क्या लिखा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझना इसको, कह रहा है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन में 36 फाइंड एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे, इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा आपको देख के ये तो समझ में आ रहा होगा कि x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन 3x का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 9x स्क्वायर आ जाएगा, ये तो देख के समझ में आ रहा है ना, बस ये देख के समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अब आप कर लोगे, देखो देखो क्या है x प्लस में 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखो हमको क्या मिलेगा, समझना बेटा ठीक है अच्छे से, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में ये 1 अपॉन 3x नीचे होगा, ठीक है, जाएगा 1 अपॉन में 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब समझना, प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन 3x, समझ गए ना, कर लो इसके बाद, जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2 अपॉन में 3। अब देखो क्वेश्चन में हमको इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है बताओ, 25 अपॉन 36 है ना, रख देते हैं चलिए, तो x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 36 प्लस में 2 अपॉन में 3। एलसीएम निकाल लेंगे, 36 और 3 का एलसीएम 36 ही आएगा, 36 को 36 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आ जाएगा प्लस में, 36 को आप 3 से डिवाइड कराओगे आएगा 12, 12 को उठा करके 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 24, तो x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी कर देता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर की जो आंसर है ये आ जाएगा 49, 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा अपॉन में 36, लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटेगा राइट हैंड साइड पे अंडर रूट लग जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 3x कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 49 अपॉन में 36, 49 होता है बेटा 7 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 3x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 7 अपॉन में 6, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके देखिए समझ में आएगी नहीं, अब इसके बाद समझिएगा बेटा, ये तो हो गया आपका
अब इसकी हेल्प से आप यहाँ पे आप क्यूब वाली आइडेंटिटी को आप अप्लाई करेंगे। देखिए मैं दूसरे पेज में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ पर तो जगह है नहीं। देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन थ्री एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, प्लस माइनस सेवन अपॉन में सिक्स आई है। दोनों साइड आप इसका क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों साइड इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। इसको आप साइन के साथ ही क्यूब करिए। अच्छा, क्यूब करने पे क्या मिलेगा ज़रा देखो, ये तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस में वन अपॉन थ्री का क्यूब करेंगे आएगा 27, साथ में x क्यूब आ जाएगा, ये भी समझ रहे हो आप, ठीक है। फिर प्लस में थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन थ्री एक्स आ जाएगा, ठीक। एक ब्रैकेट में x प्लस वन अपॉन थ्री एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही तो आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी। अच्छा, थ्री का जो भी आंसर आएगा यहाँ पे फिर प्लस माइनस में आएगा, समझिएगा। सेवन का क्यूब करेंगे आएगा 343, कितना आएगा 343। सिक्स का क्यूब करेंगे ना आएगा 216, क्यूब तो जानते हो ना, यानी 6 × 6 × 6 216 आएगा, 7 × 7 × 7 आएगा 343। क्लियर है, अच्छे से। अब वैल्यू रख दीजिए आप, हो जाएगा x का क्यूब। अब देखो x से x कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, x प्लस वन अपॉन थ्री एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है, प्लस माइनस 7/6। तो x क्यूब प्लस में 1/27x³, ठीक है, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू तो दोनों है, प्लस माइनस कितनी है 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 343/216। इसको इधर भेजोगे, अभी प्लस माइनस है, उधर भेजोगे तो माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगी, तो जाएगा x का क्यूब प्लस में 1/27x³, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 343/216, ठीक है। फिर माइनस प्लस हो जाएगा ये 7/6। एलसीएम ले लेंगे इसका, 216 आएगा एलसीएम, ये आ जाएगा प्लस माइनस 343। 216 को 216 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1, 1 को उठाकर 343 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 343 ही रहेगा। 216 को 6 से डिवाइड कराओगे आंसर आएगा 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 7 6 42 के 2 करी लगा 4, 7 3 7 3 21 और 25। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, कोई भी चीज़ हवा में नहीं की मैंने। तो आंसर कितना आएगा, माइनस प्लस 242। तो एक्स क्यूब प्लस में 1/27x³। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 343 में कितना हो जाएगा, 343 में से आप 252 को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। जो भी आंसर आएगा वो किस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा आपका और एक माइनस में रहेगा। जब ये प्लस होगा तो इसका माइनस लोगे, जब इसका माइनस लोगे तो इसका प्लस लोगे, यानी जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। तीन में से दो जाएगा बचेगा एक, ठीक है ना। अरे भैया तीन में से दो गया बचा एक, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, दो हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, यानी प्लस माइनस 91/216। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, एक्स क्यूब प्लस में 1/27x³ का। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।